हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर सीवीगंज बरेली में। तो आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं कक्षा 10 गणित का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि बोर्ड परीक्षा में दो बार अब तक पूछा गया है, 2019 में और उसके बाद 2021 में। तो क्वेश्चन है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 तथा कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, तब यहां पर यह दे रखा है हमें कि ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है और 90 डिग्री से या तो कम है या फिर उसके बराबर है। साथ ही साथ दिया है कोण ए का मान कोण बी से ज्यादा है, तब कोण ए और बी के मानों की गणना कीजिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले साइन ए माइनस बी बराबर दिया है हमें 1/2। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो भी इधर हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा होता है, अगर साइन है तो इधर भी इसे हम साइन में ही चेंज कर लेते हैं, और अगर इधर टेन में दे रखा है तो इधर भी टेन में चेंज कर लेंगे, इधर कॉस में दे रखा है तो इसे भी कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो क्या करना है हमें, यहां पर इस 1/2 को साइन के मान में चेंज करना है। कैसे करेंगे, तो यहां पर साइन ए माइनस बी बराबर, अब ये 1/2 साइन में कहां पर होता है, तो यहां पर मैं साइन की कुछ वैल्यू लिख रहा हूं, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। साइन 0 पर मान होता है 0, 30 पर होता है 1/2, 45 पर मान होता है 1/√2, 60 पर मान होता है 3/√2 और 90 पे मान होता है 1। तो इनमें से कौन सी जगह पर 1/2 है, तो हमें यहां पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि साइन की वैल्यू 30 डिग्री पर 1/2 होती है। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। तो यहां पर जब हम तुलना कराएंगे तो हमें मिलेगा a माइनस बी बराबर कितना, 30 डिग्री। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और क्या दिया है, दिया है cos a प्लस बी, cos a प्लस बी बराबर कितना, 1/2। तो यहां पर कॉस की भी वैल्यू लिख लेते हैं इसी तरह से, कॉस 0 पर मान होता है, ये ऐसे कैसे ही रहने दे रहे हैं, कॉस 0 का मान होता है 1, ये सारी की सारी वैल्यू क्या करनी होती है हमें, चेंज कर लेते हैं, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 30 पर क्या आ जाएगा, √3/2, 45 पर कितना आएगा, 1/√2, क्योंकि तीसरी वैल्यू, फिर चौथी वैल्यू इधर कितनी, 1/2। साइन 90 पे मान कितना पहुंच गया, 0। तो यहां पर कॉस दे रखा है, तो कॉस में हमें ढूंढना है कि 1/2 किस मान पर होता है। तो कॉस में यहां पर यह वैल्यू हमको मिल रही है कहां पर, 60 डिग्री पर। तो यहां पर इस 1/2 के स्थान पर हमें क्या लिखना है, a प्लस बी ऐसा का ऐसा ही, इसके स्थान पर हम लिख देंगे कॉस 60 डिग्री। तो यहां पर तुलना करने पर हमें प्राप्त होगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है और इन दोनों समीकरणों से फिर a और b के मान निकालने हैं। कैसे करेंगे, तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, कैसे करेंगे, ये लिख लेते हैं समीकरण, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और
ए प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। तो यहां पर क्या करेंगे हम, जब जोड़ते हैं दो समीकरणों को तो चिन्ह ऐसे के ऐसे ही रखते हैं, और जब घटाते हैं तो जो भी इक्वेशन नीचे लिखी जाती है इसके चिन्हों को हम बदल देते हैं। फिलहाल हम इनके समीकरणों को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पर क्या मिलेगा, यहां से a और a कितने हो गए 2a, जब b को हम जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो ये वाला b है माइनस का और ये वाला है प्लस का, तो ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, घट जाएंगे ये, तो ये b से b कैसा हो गया कैंसिल हो गया, इन्हें जोड़ेंगे तो 60 और 30 कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहां पर 2a बराबर हमें मिल गया 90 डिग्री, तो a बराबर कितना हो जाएगा, दो है यहां पर गुणे में तो ये कहां चले जाएंगे 90 डिग्री के बटे में, तो यहां पर दो से इसको डिवाइड कर देंगे मिल जाएगा 2 45, तो a का मान यहां पर हमने प्राप्त कर लिया कितना 45 डिग्री। ये इस a का मान जो भी निकल कर आया है वो समीकरण या तो एक में रख दें या फिर समीकरण दो में रख दें तो हमें b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करें, समीकरण दो में a का मान रखने पर रखेंगे क्या मिलेगा, समीकरण दो है a प्लस बी बराबर 60, a प्लस का b बराबर 60 डिग्री। तो यहां पर a का मान हमने पहले ही निकाल लिया है कितना है 45 डिग्री, प्लस का b ऐसा का ऐसा ही बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर कितना मिल जाएगा 60 डिग्री, और ये 45 जाएंगे इधर हो जाएंगे माइनस के, तो b बराबर यहां पर कितना मिल जाएगा 60 में से 45 को माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा 15 डिग्री। तो हम कह सकते हैं अतः हेंस a इक्वल टू कितना आया, a का मान आया था 45 डिग्री और b का मान यहां पर कितना आया है 15 डिग्री, यही हमारे आंसर हो गए। तो अगला क्वेश्चन है यहां पर, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमें दे रखा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो इस क्वेश्चन को हम दो या तीन तरीकों से कर सकते हैं। तो कौन कौन से वे तरीके हैं, पहले तो इनको देखते हैं। साइन थीटा बराबर हमें दे रखा है कॉस थीटा, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हमने 1 से मल्टीप्लाई करा ली तो क्या मिल जाएगा हमें, यहां पर इस कॉस थीटा को हम इधर ले आए तो ये किधर चला जाएगा साइन थीटा के अपॉन में, तो साइन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा इधर रह गया 1 और कॉस थीटा ले आए इधर, तो ये जो वैल्यू होती है वो होती है टेन थीटा की, तो यहां पर ये चेंज हो गया टेन थीटा में और ये एक कहां से आया, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तब क्या करना है हमें यहां पर, अब हमें इधर जब टेन थीटा दे रखा है तो इस एक को भी हमें टेन में ही चेंज करना है, तो ये एक कहां पर होता है टेन 45 डिग्री पे, तो ये हमें तुलना करने पर प्राप्त हो जाएगा थीटा का मान 45 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो गया। इसे हम एक और विधि से कर सकते हैं, कैसे देखते हैं, सेकेंड मेथड, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या करें, हम दोनों तरफ एक ही तरह के त्रिकोणमितीय अनुपातों में चेंज कर लें, या तो साइन को कॉस में चेंज कर लें या फिर कॉस को साइन में चेंज कर लें। तो यहां पर मैं कॉस को चेंज कर ले रहा हूं, तो ये हो गया साइन थीटा ऐसा का ऐसा ही, इसे हमें साइन में चेंज करना है तो क्या लिख सकते हैं, इसे
साइन 90 माइनस का थीटा। क्यों हो सकता है ऐसा? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा। तो यहां पर कॉस थीटा के स्थान पर हमने इतना मान रख लिया है। तो यहां पर तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? साइन के स्थान पर साइन है, थीटा के स्थान पर इतना ये एंगल है, तो थीटा बराबर हो गया 90 माइनस का थीटा। ये थीटा इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का बराबर 90 डिग्री, और ये हो गया 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, और 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये मिल जाएगा 45। तो थीटा बराबर यहां पर आ गया 45 डिग्री। एक इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसे cot थीटा में भी चेंज करके सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया है, 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है। तो यहां पर पूछा गया है कि थीटा के मान की गणना कीजिए, कैसे इसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। दिया है हमें 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या करना होगा, हमें जो वैल्यू दे रखी होती हैं वो कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी होती हैं, 2 cos थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी होती हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस 2 को यहां से हटाना है, तो क्या मिलेगा हमें, cos 3 थीटा बराबर 1, और 2 को ले गए इसके अपॉन में, तो ये मिल गया cos 3 थीटा बराबर 1/2। तो यहां पर cos 3 थीटा बराबर, हमें क्या करना है, इस 1/2 को cos में ही चेंज कर लेना है। तो ये वैल्यू होती है cos 60 पर, तो यहां से हमें कितना मिल गया, 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। तुलना करने पर तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, थीटा का मान हमें निकालना है, तो 3 को ले जाएं 60 के अपॉन में, तो ये आ जाएगा यहां पर, इससे डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और ये 0, ऐसा का ऐसा ही। तो थीटा का मान है यहां पर हम